यार एक्चुअली मैं इसमें एक दिल्ली से चांदनी चौक का एक लड़का है जो जिसका एक ही सपना है, मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ और मैं एक बहुत बड़ी फिल्म डायरेक्ट करना चाहता हूँ। और उसका फादर जो है, सर ये बता सकता हूँ, हाँ उसका फादर जो है वो जलेबियाँ बनाता है और उसका एक ही पंगा है, कहता है मैं कुछ भी करूँगा मैं जलेबियाँ नहीं तलूंगा, मैं डायरेक्टर बनूंगा। तो किस तरह वो स्ट्रगल करके मुंबई पहुँचता है और फिल्म के लिए स्टार्ट करता है, किस तरह फिल्म बनाता है और उसके बाद क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सारी फिल्म में आप देखेंगे किस तरह जुड़ती हैं। सो फिलहाल वही कैरेक्टर है और मज़े की बात यह है वो कैरेक्टर है मिस्टर शर्मा, यानी जिन्होंने पार्ट वन बनाई है। सो हाँ सो ये कैरेक्टर है फिल्म। पिछली बार ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि पिछली बार मैं बहुत नया था और पिछली बार पाकिस्तानी किरदार था, मतलब आई वॉज़ फ्रॉम पाकिस्तान, तो वो लहजा थोड़ा सा मुश्किल था। इस बार थोड़ा सा सिमिलर है, अलग है पर थोड़ा सा सिमिलर है, तो इट वॉज़ ईजियर दिस टाइम अराउंड। लेकिन हाँ पिछली बार तो बहुत इन्होंने तंग भी बहुत किया था, इस बार छोड़ा है। तो इस बार कौन सा छोड़ा? नहीं, इस बार आपको तंग किया है ना। मेरा हो गया था यार एक्चुअली। देखिए हम कोई सेट फॉर्मेट तो फॉलो नहीं कर रहे हैं, आई थिंक कोई भी एक बुक नहीं होती कि दिस इज़ हाउ यू प्रमोट अ फिल्म। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट अ प्लेटफॉर्म। कलर्स के साथ मेरा रिलेशन बहुत अच्छा है, सलमान सर के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, और अगर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिले सो आई डोंट थिंक एनी बडी वुड से नो। सो आई एम इन फैक्ट हैप्पी दैट दे गेव अस द चांस टू टेक आ फिल्म देयर और हमने वहाँ पर फिल्म प्रमोट करी है। एंड आई थिंक उससे काफ़ी ज़्यादा एक बज और क्रिएट हुआ, पीपल वर वेरी हैप्पी। सो अपने आप ही थोड़ा और शोर हो गया एंड पीपल आर वेरी एक्साइटेड टू सी द प्रोमो टुडे। नहीं यार आई थिंक सबने मिलकर ही कॉमेडी करी है, ऐसा नहीं है कि मैं ही कॉमेडी कर रहा हूँ बाकी नहीं कर रहे। आई थिंक और आई थिंक ये कॉमेडी मेरी नहीं है, ये कॉमेडी होती है जो लिखी जाती है। आई थिंक हम एक्टर्स होते हैं, हम उसको पोर्ट्रे करते हैं और डायरेक्टर होते हैं जो हमें बताते हैं कि कहाँ थोड़े से गलत जा रहे हो, बट ऑब्वियसली एक टीम वर्क था। एंड द बेस्ट पार्ट वॉज अगर मैं कहीं भी थोड़ा सा इधर उधर जाता था एवरीबडी वुड हेल्प, वो नहीं था कि सब अपना अपना हम नहीं इसको करने तो गलत करने, वैसा नहीं था, इट वॉज अ टीम एफर्ट एंड सबने बहुत मजा किया है। या दैट्स अबाउट इट यार। मेरा सवाल ये कि मुझे कैसे काश किया तुम लोगों ने? सर आप तो बाय डिफॉल्ट हो, अभिषेक शर्मा भी बता, तो पीयूष मिश्रा अभी बात तो ही सारी तो है ही। पीयूष जी का मैं बोलना चाहता हूँ, हम लोग सेट पे फुल मस्ती करते थे, पीयूष जी थोड़ी देर में देखते थे पीयूष जी कोने में बैठे होकर करते तो मैंने ये क्या करते हैं सर, योगा में चले जाते थे अपना आराम से, कहते थे इतना तुम लोग बकर बकर करते हो यार, थोड़ी देर में आराम से शांति से पेशेंटली ध्यान लगाओ, ध्यान। ऑल इंटेलिजेंट मीडिया पीपल, चाहे वो न्यूक्लियर बॉम्ब का खतरा हो हिरोशिमा स्टार्टेड बाय अमेरिका, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो जिसके ऊपर हम बड़े बड़े वचन ले रहे हैं, दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ अमेरिका। So all the big issues which have come up in last 100 years because of the policies of various American administrations, and so that is something that kind of instigates me to write about it. But because I love them, तो इसलिए वो satire में और farce में निकल के आता है, इसलिए मजाक में, क्योंकि आप जिन लोगों को प्यार करते हो आप उनसे मजाक में ही छेड़छाड़ करते हो, जैसा कि you know Manish also does in his shows very well, his comedy, and I think this film's comedy also it's a similar genre, that's why all of us kind of bonded on this film, aur mazak mein film ban gayi, but I think yeah. Now we are very happy that it's finally out.